हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज फिर बात करने वाले दो अपडेट्स को लेकर, काफी बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉग्निजेंट टीम की तरफ से, इन्फोसिस टीम की तरफ से। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप लोग जो है एंड तक जरूर देखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि कॉग्निजेंट ऑनबोर्डिंग तो दे रही है बट ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं हो रहा उनके पास मेरा, कि वी आर अनेबल टू ऑनबोर्ड यू। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रॉम डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग, ऐसा क्यों वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए, इन्फोसिस जो है सेंड कर रही है ऑफर लेटर फॉर सिस्टम इंजीनियर जो भी पिछले साल सिलेक्ट हुए थे उनके पास, अभी करंटली ऑफर लेटर आ रहे हैं। आपको सब कुछ विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फिर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं आपका इंफोसिस को लेकर, आई नो ठीक है। तो यहां पर आप लोग जो है मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड, काफी लोगों ने मुझे इस चीज को लेकर डीएम करा कि हेलो सर, टुडे आई रिसीव्ड इंफोसिस ऑफर लेटर फॉर सिस्टम इंजीनियर रोल, गॉट सिलेक्टेड इन अप्रैल 2021 फ्रॉम 22 बैच। तो फिर ना देख सकते हो, ओके फॉर सिस्टम इंजीनियर रोल यहां मेंशन किया गया है। ओके तो बता दो फ्रेंड आप लोगों को, यहाँ पर इंफोसिस टीम जो है करेंटली वो एक्शन में आ चुकी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को आ रहे हैं, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये फेजेस में देखने को मिलेंगे, बैचेस में देखने को मिलेंगे एज पर देयर टाइम लाइन, बट हाँ मिलेंगे तो जरूर आप लोगों को ठीक है। तो ये अपडेट आ रही है इन्फोसिस टीम की तरफ से। और जैसा कि फ्रेंड आपका ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग का अपडेट है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड, आप लोग जो है जैन टू अप्रैल फेज में ही आप लोग अपने ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग का वेट कर सकते हो, टिल अप्रैल आप लोग का ये एक्सपेक्टेड है। फॉर मैं ज्वाइनिंग का बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग के लिए आप लोग जनवरी टू अप्रैल फेज सेम आपका होने वाला है, तब तक आप लोग को वेट करना ही पड़ेगा रिगार्डिंग योर ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग। चलिए ये तो आपका हो गया इन्फोसिस का। सेकेंड बात करते हैं कॉग्निजेंट का, यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो आप लोग मेरे स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। ओके डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 14 फरवरी 2023। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो आप लोग एक्सेप्ट कैसे करोगे, मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग को चूज करना होगा ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को ठीक है, या इसे आप लोग चूज मत करना, इसे आप लोग चूज करना है ठीक है। बाकी आप लोग सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है, फिर आप लोग ऑनबोर्डिंग आपका जो है लाइक आपका जो ज्वाइन लेटर है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और काफी लोग की प्रॉब्लम आते हैं कि सर हम लोग के पास देखें फिर, हाय अनिल योर ऑनबोर्डिंग पास इज नॉट जनरेटेड, प्लीज रीच आउट टू योर रिक्रूटर इमीडिएटली रिगार्डिंग होम रिसोर्सेज अकाउंटियन टीम। तो फिर इस तरह का मेल भी लोगों को देखने को आती है कि आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वहां पर आप चलो वो बात करते हैं। फिर देख सकते हो आपका जो है कैंपस, आप यहाँ पर आईडी दिखा रहा है ऑनबोर्डिंग शेड अनेबल टू ऑनबोर्ड, अब ये क्या रीजन है चलिए फिर देखते हैं। मैं देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है डेट ऑफ फील्ड कैन चेक आउट और एजुकेशन पीजी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, काइंडली अपलोड द प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो बता दो फिर आप लोग में जो लोग भी 22 बैच से बिलोंग करते हो, आप लोग का पीडीसी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, मतलब कि आपका जो 8th सेमेस्टर का रिजल्ट, 7th और 8th सेमेस्टर का रिजल्ट एंड आपका पीडीसी पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तभी कंपनी आपको अनबोर्ड करेगी। और जो भी आप अभी तक जो लोग आप नहीं किए हैं वन कॉग्निजेंट पोर्टल पर अपलोड, जाकर चेकआउट करो वन कॉग्निजेंट पोर्टल पर और अपने अपने सारे सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करो, नहीं तो फिर आपका अनबोर्डिंग नहीं होगा। और ये अनबोर्डिंग आपका होने वाला है लाइक फिजिकली देख सकते हो, कॉग्निजेंट एफटी अनबोर्डिंग 2023 अपडेट ऑन योर जॉइनिंग एंड लोकेशन डिटेल्स फॉर रिपोर्टिंग द फॉर अनबोर्डिंग। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो, कुछ डाउट्स आपको कमेंट में पूछ लेना, मिलते हैं सो वीडियो में, जय हिंद जय भारत।